हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सुप्रीताज व्लॉग। तो आज का जो व्लॉग है वो इस तरह से है, हम निकले हैं। आज दो काम करना है, एक तो है ज़ीवा का वैक्सीनेशन, दूसरा है ज़ीवा का आधार कार्ड बनवाना है। हाँ, आपने सही सुना, ज़ीवा का आधार कार्ड। तो ये ऑटो, ये मेरे पापा का ऑटो है, क्योंकि हमें दो तीन जगह जाना था, इसके लिए हमने पापा को ही बुला लिया। नहीं तो वो बार बार ओला बुक करो फिर वेट करो, इसके लिए पापा ने बोला मैं ही आ जाता हूँ। फिर हम पापा के साथ जो है गए। पहले हमने सबसे पहले किया आधार कार्ड का काम। तो ये है पोस्ट ऑफिस में वीडियो, नहीं मतलब मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, अजीब लग रहा था, पर छोटा सा क्लिप लिया आप सभी को बताने के लिए कि ये पोस्ट ऑफिस है कल्याण का। किधर आए शन हम लोग, किधर आए? ये आधार कार्ड का प्रोसीजर है। मैं आप सभी के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगी कि जो न्यूबॉर्न बेबीज़ है उनके आधार कार्ड के लिए क्या प्रोसीजर है, आपको क्या क्या चाहिए। तो ये हमने पोस्ट ऑफिस से ही आधार कार्ड बनवाया है, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। ये देखो ज़ीवा फ़ोटो खींचते हुए कितनी क्यूट लग रही है, वो ज़रा भी नहीं हिली, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही उसका प्रॉपर फ़ोटो आ गया और जो है मतलब तुरंत ही हो गया। क्योंकि हमारे पहले जो थे उनका जो फादर है, बेबी का फादर है, उनका थंब इम्प्रेशन लेते वो नहीं हो रहा था, फिर बहुत लेट हो गया था उन सब की वजह से। बट हमारा जो प्रोसीजर है वो बहुत जल्दी ही कंप्लीट हो गया, आनंद का भी फर्स्ट अटेम्प्ट में ही हो गया। एंड हमने जो भी था वो प्रोसीजर वो कर रहे थे, क्योंकि मैं आपको क्लियरली नहीं बता रही हूँ क्योंकि मैं इसके लिए एक अलग से व्लॉग बनाऊँगी। उसके बाद हमने जो है एक्चुअली हम पोस्ट ऑफिस आने का ये रीज़न था, पोस्ट ऑफिस आने का ये रीज़न था कि जो गर्ल्स के लिए जो स्कीम है, गवर्नमेंट स्कीम जो कि है समृद्धि योजना, ठीक है, ये गवर्नमेंट स्कीम है जो कि गर्ल्स के लिए होता है। तो हमने बस वो सब था, उसके कारण ही हम पोस्ट ऑफिस आए थे, क्योंकि हमें वहीं से निकलवाना था और उन्होंने बताया कि उसके लिए आधार कार्ड मैंडेटरी है। उसके बाद वो सब होने के बाद हम आए हॉस्पिटल में, जो कि हम ज़ीवा को गवर्नमेंट हॉस्पिटल से ही इंजेक्शन दिलाते हैं। तो ये मैं एंट्री करवा रही थी और ये देखो यहाँ पर ज़ीवा है जो कि रेडी कर रही ज़ीवा को इंजेक्शन के लिए। अब आगे का आप ही देख लीजिए कि ज़ीवा कैसे रोती है इंजेक्शन देते वक्त। इंजेक्शन तो रेडी हो रहा था, वो जो नर्स है इंजेक्शन रेडी कर रही थी, ये सोच रही थी मुझे यहाँ पर कहाँ पर मतलब रख दिया गया है। वो इंजेक्शन रेडी कर रहे थे, फिर मैंने बैग रखा क्योंकि इंजेक्शन देते वक्त उसे पकड़ना होता है, क्योंकि बहुत हिलते हैं तो वो इंजेक्शन कहीं हिल ना जाए, तो हम दोनों को ही पकड़ना होता है हाथ एंड पैर। तो हम वही कर रहे थे वेट की, अभी देखो कि बाबू अपनी ज़ीवा के वैक्सीनेशन का जो छोटा सा वीडियो है वो तो देखा ही होगा। इस बार ही मैंने सोचा था कि मैं पूरा उसका वीडियो लूँगी कि इंजेक्शन देते वक्त उसका क्या रिएक्शन होता है, वो कितना रोती है। बट आज तीन इंजेक्शन थे वैसे। जब उसको फर्स्ट इंजेक्शन जो हैंड पे मिल रहा था उस टाइम पे मैंने एक्चुअली वीडियो ऑन किया था और मैंने बोला कि मैं आज शूट करूँगी पूरा, बट फर्स्ट इंजेक्शन के बाद ही वो मतलब फर्स्ट इंजेक्शन में ही वो इतना रोई कि मेरे से मतलब मेरे लिए और पॉसिबली नहीं हुआ कि मैं उसको ऐसे देखूँ कि वीडियो कंटिन्यू करूँ, तो बस मैंने वो लेके स्टॉप कर दिया और मैंने वीडियो नहीं लिया। बट उसके बाद जो उसको दोनों पैर पे दो इंजेक्शन जो पड़ा उस पर वो इतना रोई है, इवन जो नर्स उसको इंजेक्शन दे रही थी वो इंजेक्शन देने के बाद उसको सॉरी सॉरी बोल रही थी क्योंकि ये बहुत रो रही थी। बट फाइनली ये इंजेक्शन जो था मतलब अभी तक का ख़त्म हो गया है। अभी डॉक्टर ने डायरेक्टली उसको 9 मंथ्स कंप्लीट करने के बाद ही बोला है, यानी कि जब भी वो 10 मंथ की होगी उस टाइम पर उसको जो है नेक्स्ट डोज होगा। बट स्टिल हमें लगता है कि इस बीच में कोई ऐसे इंजेक्शन होंगे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में नहीं मिलते होंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जो बोलते हैं ना बहुत ही इंपॉर्टेंट इंजेक्शन होते हैं वही मिलते हैं। बट उसके बीच में भी मुझे ऐसा लगता है कि कोई कुछ कुछ इंजेक्शन होता है जो सिर्फ प्राइवेट में ही मिलता है। तो हमें एक बार जो है जो ज़ीवा के डॉक्टर जिसको अभी हम मतलब ज़ीवा को अभी हम जिसके पास लेके जाते हैं
उनसे एक बार कंसल्ट कर लेंगे कि इसके बीच में कोई इंजेक्शन है जो गवर्नमेंट में नहीं मिलता है, प्राइवेट से लेना पड़ता है, अगर ऐसा कुछ है तो हम उसको वो प्राइवेट से दिला। बिल्कुल नहीं, ठीक हो गया बाबू ने मेडिसिन लिया है, अभी मेडिसिन लेने के बाद बाबू ठीक हो गया है, अभी बाबू को पेन नहीं कर रहा है ना। बाबू ने फीड किया, मेडिसिन लिया है ना बाबू। बाबू को देखो, बाबू को खेचल हो गया है, बाबू को इधर चुई मिला है, इधर भी चुई मिला है, हैंड में भी एक चुई मिला है, बट मिला बाबू कितना स्ट्रांग है, अभी लोई लोई नहीं कर रहा है। हाँ, लोई लोई नहीं कर रहा है, मस्ती कर रहा है। सो जीवा को जो है सुला दिया है, जीवा सो गई है। जीवा को मेडिसिन देके सुलाया है, क्योंकि लास्ट टाइम ऐसे हुआ था कि उसको हम इंजेक्शन देके लाए थे और फिर मेडिसिन नहीं दिया था, क्योंकि उन्होंने बताया था कि अगर फीवर आता है तो देना है, तो हमें लगा कि अभी तो फीवर आया नहीं है, अगर आता है तो दे देंगे, अगर नहीं आता है तो नहीं देंगे, तो हमने दिया नहीं। और जैसे ही वो सो के उठी, उसने फिर जो रोना स्टार्ट किया, तीन घंटे तक ऑलमोस्ट वो रो ही रही थी, चुप ही नहीं हो रही थी। फिर हमने उसको मेडिसिन पिलाया तो उसके बाद में वो ठीक हो गई, मतलब पेन उसका चला गया। तो इसके लिए हमने ये बारी जो रिस्क नहीं लिया, जैसे ही घर पे उसको फीडिंग के साथ उसको मेडिसिन दे दिया, मेडिसिन देने के बाद सुला दिया, वो सो रही है। तो मैं आपको बताती हूँ वो कैसे सोती है। देखो जीवा आराम से सो रही है, उसके हाथ देखो दोनों कैसे, वो हमेशा ऐसे ही सोती है। और ये है वो मॉस्किटो नेट जो हमने लिया था, मैं साइड से इसको कवर कर देती हूँ, बिकॉज थोड़ा बहुत भी गैप रहेगा, अगर मॉस्किटो अंदर चले जाएंगे तो यूज़ नहीं होगा मॉस्किटो नेट का। तो मैं सेफ्टी के साथ इसको कवर करके रखती हूँ ताकि वो आराम से सोए और कोई भी मॉस्किटो ना जाए। तो जो ब्लॉग है मैं इसी के साथ ख़त्म करती हूँ, काफ़ी दिनों बाद मैंने ये बनाया है, कोई ना कोई रीज़न की वजह से नहीं होता था बनाना, बट फिर आज अगर मुझे मतलब आज टाइम मिल गया तो मैंने सोचा आज मैं बना ही लेती हूँ। तो आप ज़रूर से देखिएगा आपको कैसे लगता है ये ब्लॉग, अगर अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक यू।